थैंक यू फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र कुमार यादव, आर्यन कॉम्पिटिटिव क्लासेस दसवां के सौजन्य से आप लोगों के सामने मैं जैन धर्म के 24 तीर्थकरों को याद करने का एक साहित्य प्रस्तुत करता हूं। यह साहित्य जो है निम्न क्लासों से लेकर निम्न जो परीक्षाओं से लेकर कुछ क्लासों तक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस साहित्य को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल जो है एक लॉजिक है हमारे, उस लॉजिक को जो है याद करना है, उस लॉजिक को देखना है। लॉजिक को जब जैसे ही देखेंगे आप तो स्टेप बाय स्टेप पूरे जो है आपके जो 24 तीर्थकरों का जो है यह नाम आपको जो है बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इस बात को ख्याल करें, अगर जब हमारी वीडियो पसंद आएगी तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो आपको जो है मैं यूट्यूब पर डालू तो आपको पुनः जो है इन्फॉर्मेशन जो है सूचित हो जाए। देखते हैं इसमें क्या है, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों को याद करने के जो है शॉर्ट ट्रिक। बस देखना इसमें क्या है आपको कि एक ऋषभ नाम का व्यक्ति है, वह जो है अपने जो है घर के अंदर है और घर के अंदर एक कमरे में बैठा हुआ है और वह अपनी पत्नी का नाम पकड़ के बोलता है। ठीक, जब वह अपने पत्नी का नाम पकड़ के बोलता है तो वह उसकी पत्नी उसको समझाती है, वार्तालाप है ऋषभ नाम का जो है एक व्यक्ति है उससे और एक उसकी जो पत्नी है उन दोनों, यानी ऋषभ नाम के व्यक्ति और उसके पत्नी के बीच में वार्तालाप है। उसी वार्तालाप में जो है पूरा यह 24 तीर्थकरों का नाम हमें याद हुआ। जैसे देखते हैं ऋषभ अपने कमरे में बैठा हुआ है और वह बोलता है अपनी पत्नी से कि अजी संभव हो तो अभी सुनो ना। वह कह रहा है ऋषभ, जब ऋषभ बोलेंगे तो ऋषभ नाथ हो जाएगा, ऋषभ बोलने का मतलब ऋषभ नाथ, और अजी, अजी मैंने होता है अजित नाथ, और संभव हो तो संभव नाथ, अभी मैंने अभिनंदन नाथ, और सुनो ना मैंने सुमति नाथ। यानी वो कह रहा है कि ऋषभ कह रहा है अपनी पत्नी को अजी संभव हो तो अभी सुनो ना। तो अजी मैंने होता है आपका ऋषभ का नाम जानते हैं ऋषभ नाथ हो गया, अजी का मतलब होगा अजत, अजत नाथ, संभव हो तो यानी संभव नाथ, अभी मैंने हो जाएगा तो अभिनंदन नाथ, अशुनो ना मैंने सुमति नाथ। इसके बाद कह रहा है फिर कि तब जब वो बोलता है तो उसकी पत्नी जिसका नाम है पद्मावती, पद्मावती का मतलब हो जाएगा पद्म प्रभु, पद्मावती का मतलब हो जाएगा पद्म प्रभु, वह कहती है कि जब वो बोल रहा है उस समय वह जो सूप में चना लेकर विधि पूर्वक तल रही है। जिस समय वो बोल रहा है उस समय उसकी पत्नी पद्मावती जो है सूप मने सूप पार्श्वनाथ हो जाएगा, चन्ना मने चंद्रनाथ चंद्र प्रभु हो जाएगा, विधि मने हो जाएगा सुविधिनाथ हो जाएगा, और तलना मने हो जाएगा तल मने शीतलनाथ। कह रहा है जब वो बोलता है उस समय उसकी पत्नी जो पद्मावती है अपने घर के आंगन में बैठ करके और सूप में चन्ना लेकर विधि पूर्वक कर रही है तल रही है। ठीक, अब वो कहती है उससे, यह कहती है कि आप हमको बड़े प्रेम करते हो या बड़ा बोलते हो लेकिन अपने बेटे श्रेयांश को नहीं देख रहे हो, श्रेयांश मतलब श्रेयांश नाथ, अगर अपने बेटे श्रेयांश को नहीं देखते हो जो बांस के ऊपर विमल के साथ अनंत तक चढ़ गया है, बांस के ऊपर मैंने बांस पूजी हो जाएगा और मैं विमल के साथ मैंने विमलनाथ हो जाएगा, अनंत पर चढ़ जाना यानी अनंत नाथ हो जाएगा, अनंत पे चढ़ गया है या जो है अनंत तक चढ़ गया है। ठीक ना, और जो है आप पिता होने के कारण आपका धर्म बनता है, धर्म बने धर्मनाथ कि आप उसको शांति पूर्वक यानी शांति नाथ कुंथु मने कथन करें यानी बुलाए यानी कुंथु नाथ। अब देखते हैं जब यह बात सुनता है ऋषभ, इस बात को सुन करके ऋषभ जो है वह अपने बोलता है उसमें कि वह जो इस बात को सुन करके और वह घर का मालिक होने के नाते, मालिक मने मल्लीनाथ, और घर का मालिक होने के नाते वह अपने बेटे श्रेयांश का दूसरा नाम मुनिश नाम पकड़ के बुलाता है, यानी जो है मालिक मने मल्लीनाथ हो जाएगा, मुनिश मने मुनिश सुब्रतनाथ हो जाएगा, बुलाता है और नाम मने होता है नेमीनाथ और मने अरिष्ट नेमी, और जो है अपने पास बैठा कर यानी पास मने पास नाथ, और महावर बनाना सिखाता है यानी महावीर स्वामी। एक बार जो है स्ट्रीक को जो है देखने के लिए साथ ही से आप जो मेरे जो है लॉजिक को देखें, केवल मैं कैसे क्या कर रहा हूं, जैसे बोलेंगे कि एक बार जो है ऋषभ अपने कमरे में बैठा है और ऋषभ मैंने बोलेंगे तो ऋषभ नाथ, और कहता है कि अजी मैंने अजित नाथ, संभव हो तो संभव नाथ, अभी मैंने अभिनंदन नाथ, और सुमति मैंने सुनो मैंने सुमति नाथ। यानी यहां तक बोलेंगे ऋषभ बोलता है कि अजी संभव हो तो अभी सुनो ना, तो ऋषभ तो पहले हो गया और इसके बाद अजी मैंने अजित नाथ हो जाएगा, संभव है तो संभव नाथ हो जाएगा, अभी मैंने अभिनंदन नाथ हो जाएगा, सुनो ना मैंने सुमति नाथ हो जाएगा। तो उसकी पत्नी जो पद्म प्रभु है
वह जो है पदम प्रभु या पद्मावती जिसका पदम प्रभु नाम है, वह जो है अपने आंगन में जो है बैठी हुई है और सूप में मैंने सुपासना चंदा लेकर मैंने चंद्र प्रभु विधि पूर्वक मैंने सुविधि नाथ तल रही है मैंने शीतल नाथ। वह जो है अपने आंगन में बैठ करके और सूप में चंदा लेकर विधि पूर्वक क्या कर रही है तल रही है। वह उसकी पत्नी जो है अब ऋषभ से बोलती है कि आप तो हमें बहुत प्रेम करते हो लेकिन अपने बेटे श्रेयांश को नहीं देखे हो, श्रेयांश मैंने श्रेयांश नाथ होता है, नहीं देखे हो कि जो बांस के ऊपर मैंने वासुपति या वासुपूज्य हो जाता है बांस के ऊपर विमल नाम के लड़के के साथ यानी विमल नाथ हो जाएगा, अनंत तक चढ़ गया है यानी अनंत नाथ हो जाएगा। और अपनी पत्नी अपने पति को कहती है पद्मावती कि आपका पिता होने के कारण धर्म बनता है यानी धर्म नाथ कि शांति पूर्वक यानी शांति नाथ कथन करे यानी कुंतुनाथ उसको बुलाए, ठीक ना। और देखते हैं और उसको अरहनाथ यानी उसको अरह या उसको कोई काम दे। इस बात को सुन करके और जो है ऋषभ जो है घर का मालिक होने के नाते मालिक पर तो होता है मलिक नाथ, वह जो है अपने बेटे श्रेयांश को मुनिस नाम पकड़ के बुलाता है, मुनिस मने होता है मुनि सुब्रत नाथ नाम पकड़ के मने नेमी नाथ हो जाता है, ठीक ना, बुलाता है और मने अरिष्ट नेमी और पास बैठा कर यानी पार्श्वनाथ और महावश बनाना सिखाता है यानी महावीर स्वामी। इस प्रकार जो है हमारे 24 या जो जैन धर्म की जो है तीर्थकरों का जो सूत्र है और आप जो है चाहे इसको तो एक निश्चित तरीके से जो है आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं बस स्टेप बाय स्टेप। और अगर जो इस वीडियो को आप देखते हैं अगर जो आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।